हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैजान। स्वागत है आपका कैन आई टीच यू में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए आज के लेक्चर हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप भी साथ में पढ़ेंगे। कंप्यूटर जी, क्वेश्चन पेश किया जाए। क्वेश्चन है, शकीला पुट 100 इंटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स व्हेन शी वाज ईयर ओल्ड 1 ईयर ओल्ड, 150 ऑन हर सेकेंड बर्थडे, 200 ऑन थर्ड बर्थडे एंड विल कंटिन्यू इन द सेम वे। हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन द मनी बॉक्स बाय द टाइम हर डॉटर इज 21 ईयर्स ओल्ड। ये क्या है भैया, ये क्या, इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। इस तरह का कॉन्सेप्ट तो अभी हम लोगों ने सीखा ही नहीं है। ये हम लोगों के साथ बेमानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को वापस करिए कंप्यूटर जी। हम लोग पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद इसे हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए देखते हैं आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। किस चीज़ का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पर, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। तो जैसा कि जनरल फार्मूला हम लोग जानते होंगे, किसी भी टर्म्स को लिखने का जनरल फार्मूला क्या है, हम लोग ने ड्राइव किया था, याद देखते हैं, आपको याद होगा। देखिए, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी, याद होगा है ना आपको ये। तो चलिए आगे देखते हैं, ये कहाँ तक जाते हैं सीरीज, ये पूरी ए प्लस, इसका लास्ट टर्म क्या होगा, इसका इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या होगा, कौन बताएगा। चलिए देखते हैं, फर्स्ट टर्म कह रहे हैं, लास्ट टर्म बताना है, यानी कि लास्ट टर्म कौन सा होगा, एंड एन वाले टर्म्स क्या होगा, हम लोगों का लास्ट टर्म होगा। तो करना क्या है, ए प्लस एन वाले निकालना है ना, तो एन डी लास्ट टर्म एन होगा, तो क्या करेंगे, एन डी माइनस डी, जैसा कि हम लोग करते थे, जो सभी टर्म्स पूछते थे उसमें हम लोग क्या करते थे, एक डी कम कर देते थे। तो वैसे ही ए लिखा, उसके साथ एन डी लिख दिया, जो से टर्म्स बोल रहे थे, लास्ट टर्म क्या होता है, एन होता है, तो एन डी और एक डी सब्सट्रैक्ट कर देंगे ना, तो ये क्या बनेगा हम लोगों का, इस तरह से एक डी कॉमन आ जाएगा, एन माइनस वन डी, ठीक है। ये बना, ये सीरीज हम लोग अच्छे से जानते हैं, इससे हम लोग फैमिलियर हैं बहुत अच्छे से, फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया है, ये सेकंड लेक्चर में भी पढ़ाया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना था, इसे एस एन कह रहे हैं, है ना, एस एन क्यों कह रहे हैं, फर्स्ट एन टर्म्स मतलब ए से लेकर फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक। फर्स्ट टर्म अपना क्या है, ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, वैसे ही हम लोग जैसे कॉमन डिफरेंस ऐड करके करते हैं, कहाँ तक जाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी, लास्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इस जैसा कि हम लोगों ने एस एन लिखा है, एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, अगर यहां पर एस एन ना होकर एस टू होता तो, जैसे यहां पर एस एन है, इसका मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स, अगर यहां पर एस एन ना होकर एस टू होता या एस थ्री होता तो इसका मतलब क्या होता, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स, या फोर होता तो सम ऑफ फोर टर्म्स, समझ गए ये बात को। तो चलिए देखते हैं, एस एन को अगर इस टर्म को हम लोग इस तरह इधर से जोड़ें, लेफ्ट हैंड साइड से ए प्लस डी, यानी कि इनको इधर से लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, ऐड करना स्टार्ट करेंगे, तो भी वही नंबर्स मिलेंगे, अगर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे ऐड करना तो भी हम लोगों को वही नंबर्स मिलेंगे, यानी कि सम सेम होगा, चाहे इधर से जोड़ना स्टार्ट करें चाहे इधर से, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ऐड करते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है,
इस वाली सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए ए प्लस एन माइनस वन डी कॉमा, ये फर्स्ट टर्म बन रहेगा जब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पर क्या होगा, इससे पहले वाले टर्म क्या होगा, इससे पहले वाले टर्म होगा ए प्लस एन माइनस टू कॉमा एन माइनस टू इंटू डी, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, पूरी सीरीज इसी तरह बनेगी। ये टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस थ्री डी, यहाँ पर जो टर्म आएगा एन माइनस थ्री डी होगा। तो इस तरह हम लोग जानते हैं, बढ़ते रहेंगे तो एन माइनस फोर डी फाइव डी इस तरह जाएंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, फर्स्ट इसमें लास्ट टर्म क्या होगा सीरीज में, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं तो ये वाला फर्स्ट टर्म बना लास्ट वाला, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट वाला आ गया, इसी तरह हम लोग लास्ट से स्टार्ट किया तो कहाँ पहुँचेंगे, फर्स्ट वाले के पास, यानी कि ए के पास पहुँच जाएंगे। ये बात क्लियर है इतनी, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इन्हें ऐड कर लेंगे। इसे इक्वेशन वन मान लीजिए और इसे इक्वेशन टू मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है ना हम लोगों को, जब एस और एस और एस क्या हो जाएगा, एस एन प्लस एस एन टू एस एन, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एस एन टू सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, ओके। तो चलिए देखते हैं, अब इन्हें ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, यह वाला लास्ट है उसका लास्ट है और इसका फर्स्ट है, ठीक है। तो देखिए ये वाला फर्स्ट और ये वाले फर्स्ट को ऐड करेंगे, देखिए क्या आएगा, ए प्लस ए टू ए, और ये वाला प्लस के साथ ऐसे ही उतार देंगे, एन माइनस वन डी, ठीक है। देखिए एक बार और देखते हैं इसे, ये वाला ए और ए ऐड हो गया, क्या हो गया, टू ए, और ये प्लस एन माइनस वन डी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉमा लगाएंगे, अब क्या करेंगे, इसका सेकेंड टर्म और इसके सेकेंड टर्म को ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ए और ए क्या हो जाएंगे, टू ए, ए प्लस ए टू ए हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम लोग इसे नीचे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें, ठीक है। चलिए एक बार करते हैं, देखिए ए प्लस डी, ये वाला फर्स्ट टर्म, फिर इसको ऐड करेंगे, इस ये वाला सेकेंड टर्म है और ये वाला सेकेंड टर्म ऐड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस एन माइनस टू इंटू डी, देखिए ए प्लस डी ऐसे ही लिखा, ठीक है, इतना समझ में आया, ए प्लस डी, ए प्लस डी और ए ऐसे ही लिखेंगे, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन डी माइनस टू डी, मल्टीप्लाई करना आता है, पहले इनमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ए और ए को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए, ए ए को ऐड कर लिया, टू ए हो गया। अब देखिए डी वाले को कैंसिल करना है हम लोगों को, एन डी ऐसे ही लिख लेंगे, एन डी ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि सिंगल अकेले है, ना ही सब्सट्रैक्ट होगा ना ही ऐड होगा। अब देखिए माइनस टू डी में से प्लस डी जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस डी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू ए प्लस एन को कॉमन, डी को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एन माइनस वन डी। ये बात समझ में आई, इसे और इसे ऐड कर रहे थे ना, तो सिंपली ये समझ में आ गया होगा, तो क्या आने वाला है यहाँ पर, टू ए, यहाँ पर क्या आने वाला है, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है, क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, प्लस का, इस बात को याद रखिएगा, जैसे मुझसे गलती वैसे ही आपसे हो सकती है, लेकिन आपको बोर्ड्स में एकदम भी गलती नहीं करना आएगा।
तो यहाँ पर कॉमन अलग कर क्या लगेगा, प्लस, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा है, ऑन एडिंग फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या, कौन सा टर्म है, ए प्लस टू डी, और यहाँ पर क्या आने वाला है, इसका थर्ड टर्म ये है और ये तो सेकेंड टर्म, तो यहाँ पर थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस, यहाँ पर थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस थ्री डी, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी होगा, है ना, इस तरह से ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी ये होगा ना। तो इन्हें इन्हें ऐड करेंगे, देखिए क्या आता है, ए ए प्लस ए टू ए, जिस तरह अभी करा हम लोगों ने, ए प्लस ए टू ए प्लस इसको ऐड करेंगे तो थ्री माइनस थ्री डी, माइनस थ्री में डी में से प्लस टू डी कैंसिल सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, माइनस डी, यानी कि क्या आने वाला आएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बार बार हम लोगों को कौन सी क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अब हम लोग बार बार ना जोड़ते हुए, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया है क्या मिलने वाला है, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे लास्ट टर्म को अब ऐड कर देंगे। लास्ट टर्म क्या मिलने वाला है, देखिए इन्हें इन्हें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a, ये वाला 2 और ये वाला 2 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस ये 2 2a, ये a और ये a ऐड होकर क्या होगा, 2a हो जाएगा और n माइनस वन डी, ऐसे ही प्लस n माइनस वन डी। इतना क्लियर है, बिल्कुल। चलिए देखते हैं आगे, अब क्या करेंगे, ये 2sn इक्वल टू, 2sn इक्वल टू क्या करेंगे, ये कितने टाइम्स से, 1 2 3 और 4 5 6 7, ये n टाइम्स है ना, कहाँ तक के, ये n टाइम्स है, nवां पद है ये, तो सारे क्या मिल रहे हैं हम लोगों को, 2a प्लस n माइनस 1d, कहाँ तक के गए हम लोग, n तक गए हैं, तो क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे पूरा इसी तरह से, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इसे ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे n से, n टाइम्स मिल रहा था ना, 1 से लेकर n टाइम्स तक, तो क्या करें हम लोगों ने, n से गुणा कर दिया, n से गुणा कर दिया। अब बस लास्ट मोमेंट पे हम लोग एकदम सब्र बनाए रखिए अपना, देखिए एस एन इक्वल टू एन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या करना है इसमें हम लोगों को, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 से डिवाइड करने पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एस एन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन बाई टू, ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, या चाहें तो आप ऐसे समझ लें, एस एन था, इसे डिवाइड में लिया, इस साइड जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये n बाई टू हो गया। ये हम लोगों का क्या है, फाइनल फार्मूला है, ये क्या है, फाइनल फार्मूला, इसे हम लोग आगे यूज करने वाले हैं जब पूछेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ऑफ n टर्म्स बताइए। इसे थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग, एक और फार्मूला इसे इंपॉर्टेंट बना सकते हैं हम लोग, देखिए एस एन है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, इस 2a को हम लोग इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं, देखिए 2a को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस ए, देखिए 2a को किस तरह, इस 2a को किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह a प्लस ए और प्लस n माइनस वन डी, क्या करा देखिए, इस 2a को इस तरह से लिख लिया a प्लस ए और n माइनस प्लस n माइनस वन डी, इसी तरह से, इतनी बात आपको समझ में आई, इसे देखकर आपके दिमाग में कुछ चमका या नहीं, देखिए ये याद आ रहा होगा आपको, टी एन जिसे हम लोग लास्ट टर्म बोल रहे थे, एन टर्म, तो क्या एन टर्म हम लोग क्या मिल रहा था, लास्ट टर्म को ही तो हम लोग कह रहे थे एन एच टर्म्स, सबसे लास्ट वाला टर्म, तो देखिए क्या मिल रहा था हम लोग फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन डी, क्या याद है ये आपको, बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि ये
यूज करना है ना हम लोगों को, आगे भी यूज हो रहा है इसका और पीछे तो क्वेश्चंस में हम लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, इसे हम लोग टी एन लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन डी है तो इसे टी एन लिख दें क्या, इस तरह से टी एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस टी एन, टी एन लिख सकते हैं ना इसे हम लोग, सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस टी एन। टी एन कहा, ये कहाँ से मिला, ए प्लस एन माइनस वन डी यहाँ से मिला है, इसे हम लोग ए प्लस एन माइनस वन डी की जगह ये वाले टर्म्स के जगह ये पुट कर दिया टी एन, ये उतना ही वेटेज रखता है जितना ये, दोनों इक्वल हैं तो इसके जगह ये रख दिया ठीक है, ताकि फार्मूला छोटा लगने लगे। और यहाँ पर टी एन क्या है, लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं, तो देखिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल, तो क्या फार्मूला मिला हम लोगों को, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। देखिए एक बार और, ये ए प्लस, ये फार्मूला हम लोगों को फाइनल मिला था, ये बहुत काम आने वाला, इसे आप याद कर लें बिल्कुल अच्छी तरह से, जिस तरह चैंपियन होते हैं उसी तरह आपको फार्मूलाज का चैंपियन बनना है अगर आपको मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। देखिए एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, तो हम लोगों ने टू ए को क्या किया, ए प्लस ए में स्प्लिट्स कर लिया है, फिर क्या किया एन माइनस वन डी को इस तरह लिख सकते हैं ना, ए प्लस एन माइनस वन डी को, जैसे हम लोग पिछली तरह फार्मूला पढ़ा था टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो इसे हम लोगों ने टी एन रख दिया है ना, टी एन टर्म्स, और टी एन क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट कर रहेंगे, एल से क्या करें, एल से डिनोट कर रहे हैं, तो फार्मूला क्या बना अपना, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। आप इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लें, ये वाला फार्मूला, ये दोनों फार्मूले कहाँ से, एक ही जगह से ड्राइव हुए हैं, तो आप इन दोनों फार्मूलाज को बहुत अच्छे ढंग से याद कर लें, इस पर हम लोग बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसा कि अभी क्वेश्चन आया था और हम लोग कर नहीं पाए थे, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। देखिए क्वेश्चन, सकीला पुट 100 इनटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स व्हेन शी वाज 1 ईयर ओल्ड, 150 ऑन हर सेकंड बर्थडे, 200 ऑन हर थर्ड बर्थडे एंड विल कंटिन्यू इन द सेम वे, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन द मनी बॉक्स बाय द टाइम हर डॉटर्स इज 21 ईयर ओल्ड। तो चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक लड़की है जिसकी माँ जब वो एक साल की होती है तो उसके गुल्लक यानी कि मनी बॉक्स में 100 रुपीस कलेक्ट करती हैं। कितना करती हैं कलेक्ट, ये मनी बॉक्स है, जब 1 ईयर ओल्ड होती है तो 100 रुपीस कलेक्ट करती हैं, जब वो सेकेंड ईयर की होती है तो 50 रुपीस ऐड करती हैं, कितना 50। इसी तरह वो 21 ईयर्स तक करती हैं, जब वो 21 साल की हो जाती है लड़की तब तक वो इसी पैटर्न में 50-50 रुपीस इंक्रीज करती जाती हैं। तो पूछ रहे हैं उसका टोटल नंबर, टोटल अमाउंट क्या बनेगा, टोटल अमाउंट क्या बनेगा, फर्स्ट एक साल की जब लड़की थी उससे लेकर जब वो 21 साल की होगी, 21 ईयर्स ओल्ड होगी, तो उसका कलेक्शन क्या बनेगा, उसका सम क्या बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे उसी कॉन्सेप्ट से उस सवाल को किल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया, अब फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज बना लेंगे, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, सीरीज बनाएंगे, क्या बनेगी, फर्स्ट जब वो पहले साल की एक साल की होती है तो क्या करते हैं 100 रुपीज़ ऐड करती हैं, फिर जब वो सेकेंड यानी कि 2 साल की होती है तो 150 हो जाता है, इसमें 50 ऐड कर देती हैं तो 150 हो जाएगा, फिर जब वो थर्ड ईयर की होती है फिर 50 ऐड करती हैं तो कितना हो जाएगा 200, इसी तरह फोर्थ ईयर में 250, यानी कि ये कब तक करती रहती हैं प्रोसेस, जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती है, जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती तो एक साल से लेके 21 साल तक वो 50-50 रुपीस ऐड करती जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे उसी का कलेक्शन बताना है, जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख लिया है, अब आप
क्वेश्चन किल कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो अब क्या करेंगे, अब आपको बताना है इसका फॉर्मूला। तो चलिए बताइए फॉर्मूला क्या है। जी हाँ बताइए, एस एन इक्वल टू बिल्कुल एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत खूब, याद है आपको। इसी तरह पढ़ते हुए चलें, आपको बहुत अच्छे से मैथ आने लगेगी और आपको फॉर्मूला चैंपियन बनना होगा अगर मैथ में बहुत अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसमें चाहिए क्या क्या। इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है हम लोगों को। सम ऑफ एन टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म से लेके एन टर्म्स तक सभी का कलेक्शन बताना है। सभी का कलेक्शन बताएंगे बहुत आसानी से। एन क्या है अपना, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, एन जो लास्ट टर्म होता है उसे हम लोग एन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है, 21। 21 साल की जब होगी तब बोल रहे हैं ना, यानी कि एन क्या है, 21। और ए क्या है, ए कोई नहीं बता पाएगा, है ना, पढ़ाया ही नहीं मैंने अच्छे से। ए बिल्कुल आसानी से आप लोग बता लेंगे क्योंकि सबसे आसान वही होता है। तो चलिए देखते हैं ए क्या है, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट नंबर होता है वही ए होता है। तो यहाँ पर ए क्या है, 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी चाहिए हम लोगों को। डी बताना तो बहुत ही आसान है, ए से भी ज़्यादा। क्या करना, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, इनके और इनके बीच का डिफरेंस बताना है। 150 माइनस 100 क्या बनेगा, 1000। बिल्कुल सही, 50 बनेगा ना, सही है। चलो डी क्या आया, 50, तो इसे हटा देते हैं, सीधे डी की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, डी इक्वल टू 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा, है ना। तो चलिए सारी वैल्यूज पुट कर देंगे जो जो दिया है। एन क्या है, 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या है, 100 प्लस एन क्या है, 21 माइनस 1 इंटू 50। डी क्या है, 50 है। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई कर लेंगे बहुत आसानी से, 21 डिवाइडेड बाई 2, है ना, सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग बहुत आसानी से। कक्षा 8 में करते थे आप ये, तो 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो क्या आएगा, 200 प्लस, देखिए 20 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 21 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 20 आएगा, 20 को 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 1000। इस 20 को, ये 21 माइनस 1 है तो ये क्या है, 20 है। इस 20 को 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1000। अब क्या करना है हम लोगों को, सिंप्लीफाई करेंगे और जब तक के खत्म नहीं हो जाएगा ये। 200 प्लस 1000 क्या बनेगा, 1200। अब देखिए बिल्कुल आसानी से ये हो जाएगा, इन ये डिवाइड में है 1200 के साथ, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 600 आएगा, 600 आएगा ना, इसको डिवाइड करने पर 2 से, तो क्या करेंगे, 21 इंटू 600। देखिए क्या बनेगा, 600 को 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ से कर लेते हैं हम लोग, ये छोटी गिनती मानते हैं लेकिन इधर से करना आसान है। देखिए किस तरह से, 600 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। हासिल कितना लगेगा, कैरी कितना करेगा, 60, है ना। तो 60, अब पहले 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 600 का, 600 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1200 और 60 ये वाला ऐड कर देंगे तो 1200 इंटू प्लस 60 क्या हो जाएगा, 0, और ये वाले 0 को यहाँ उतार देंगे। ठीक है, आंसर आ गया अपना कितना हो जाएगा, 12600। यानी कि जब वो 21 ईयर्स ओल्ड होगी तो कितना अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा, 12600 रुपये। ठीक है, ये आंसर आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं आंसर फाइनल।
2600। ये क्लियर है, ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया आप लोगों को क्या किया है फॉर्मूला। बोल रहे थे एक लड़की है जिसकी माँ एक साल, जब वो एक साल की थी, 1 ईयर ओल्ड थी, तो वो 100 रुपीज़ उसके मनी बॉक्स में ऐड करती हैं। फिर इसी तरह वो 50-50 ऐड करती जाती हैं, कब तक, 21 ईयर्स ओल्ड, जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इनका कलेक्शन निकालते हैं कि जब एक साल की थी और जब 21 ईयर्स ओल्ड होगी तो टोटल अमाउंट क्या बनेगा, है ना, कुल पैसा कितना बचेगा बनेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉन्सेप्ट सीखा था पूरा एकदम बेहतरीन ढंग से। फिर क्या, कॉन्सेप्ट जो सीखा था उसका फार्मूला हम लोगों ने देखा, बिल्कुल अच्छे से याद भी कर लिया हम लोगों ने इसे। फिर क्या किया, सारी वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर दी। आंसर क्या आया, सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि टोटल अमाउंट कितना है, 12,600। तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से सीख चुके हैं, इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें और कैन आई टीच यू को देखते रहें। तो चलिए आज के लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, आने वाले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और पिछले जो क्वेश्चन छूट गए हैं उस पर भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग कैन आई टीच यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से अच्छे से मैथ्स पढ़ सकें। थैंक्स अगेन, थैंक यू।